श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके चतत्। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चांतिके चतत्। अर्थात परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो परम सत्य के बारे में यहाँ बताया गया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर और बाहर निवास करते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर सिर्फ हमारे हृदय में वास करते हैं। जी नहीं, हृदय में तो वास करते ही हैं, किंतु बाहर भी तो वास करते हैं। समस्त प्राणियों में वास करते हैं, हवाओं में, सूर्य की किरणों में। ऐसा कौन सा जर्रा है जहां ईश्वर का वास ना हो। सब जगह प्रभु का वास है। और सिर्फ ये नहीं कि जंगम लोगों में ही है, वो जो चर हैं उनके अंदर ही प्रभु का वास है। जी नहीं, वो जो जड़ हैं, जो चल नहीं सकते, उनमें भी भगवान का वास है। जो हमें निर्जीव दिखते हैं उनमें भी भगवान का वास है। पत्थर, उसमें भी भगवान का वास है। लेकिन हाँ, परमात्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म, इसीलिए वो हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे हैं। अगर हम समझें और सोचें कि हाँ परमात्मा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या हम अपनी आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते? तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण साफ तौर पर बता रहे हैं कि सूक्ष्म है परमात्मा, आपके अंदर है बेशक, किंतु आप अपनी भौतिक इंद्रियों से जान नहीं सकते। आप नहीं समझ सकते कि हमारे अंदर वो कैसे मौजूद हैं। और आप अगर अपनी इन चर्म चक्षुओं से उन्हें देखना चाहें तो देखना भी कठिन है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। और ये भी बताया गया कि वो अत्यंत दूर रहते हैं, अपने लोक में रहते हैं, भगवत धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे निकट हैं। ईश्वर के रूप में हमारे हृदय में भी वास करते हैं। तो दूर रहते हुए भी बहुत पास हैं। ये ना सोचिए कि वो सिर्फ अपने धाम में अवस्थित हैं, हमारे पास नहीं है, हमें उनके पास जाना होगा। जी नहीं, वो हमारे पास हैं, हमारे हृदय में हैं, बाहर हैं, जड़ में हैं, जंगम में हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा का वास ना हो। तो इस तरह वो हम सबके बहुत निकट हैं।